रेलगाड़ियों में हुई आगजनी की घटना को देखते हुए इनकी घटनाओं की रोकथाम हेतु रेलवे बोर्ड नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मद्देनजर दीप चंद्र आर्य मंडल सुरक्षा आयुक्त के मार्गदर्शन में एक सप्ताह का विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया गया है, जिसकी जानकारी आज खुद मंडल सुरक्षा आयुक्त ने दी है। दिवाली और छठ पूजा के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार और यूपी की ओर जाने वाली यात्री ट्रेनों की भारी भीड़ को देखते हुए विशेष सघन चेकिंग अभियान मंडल सुरक्षा आयुक्त द्वारा चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान रेलवे सुरक्षा बल के श्वानों को विशेष चेकिंग हेतु लगाया गया है। रेल स्टेशनों पर बैगेज स्कैनर मशीन के माध्यम से ज्वलनशील पदार्थों को चेक किया जा रहा है, जिसकी जानकारी मंडल सुरक्षा आयुक्त दीप चंद्र आर्य ने दी है। एक्चुअली अभी तीन जो दुखद घटनाएं रेलवे में हुई हैं, वो एक तो इटावा स्टेशन पर हुई 15 तारीख को, 15 नवंबर को, और 16 नवंबर को सहरसा बैलर वैशाली एक्सप्रेस में सराय भूपत रेलवे स्टेशन है उसमें हुई है, और तीसरी एक घटना जो 26/8/23 को हुई थी पुनलुर मदुरै एक्सप्रेस में मदुरै रेलवे स्टेशन पर। तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए रेलवे बोर्ड से 15 दिन का ड्राइव अभी रखा गया है। इसके अलावा भी, इस ड्राइव के अलावा भी हम लोग हमेशा रेड करते रहते हैं, पकड़ धकड़ करते रहते हैं कि कोई भी पैसेंजर या अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति कोई ज्वलनशील सामग्री रेल से ना ले जाए। इसके लिए हमारे सभी अधिकारी, जवान, रेलवे के अधिकारी, रेलवे के कर्मचारी सभी मिलजुल के काम कर रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसी घटना दोबारा ना हो। ये कल ही नहीं, बल्कि हम लोगों का इस साल में, पहले मैं इस साल का डाटा बता देता हूं आपको कि इस वर्ष में हमने कुल 10 केस, जो पैसेंजर गैस सिलेंडर ले जा रहे थे उनको पकड़ा, 12 लोग उसमें पकड़े गए जिन पर केस दर्ज हुआ है सेक्शन 164 और 153 ऑफ रेलवेज एक्ट, तो उनका अभी मामला अंडर प्रोसिक्यूशन है। दूसरा, हम लोगों ने इस त्योहारी सीजन में लोग क्या करते हैं, क्रैकर्स होते हैं, पटाखे वगैरह ले जाते हैं जो बहुत ही घातक हैं, पटाखे हैं, पेंट है, पेंट भी ज्वलनशील है, शराब ले जाते हैं, शराब भी ज्वलनशील है, तो इस तरीके के ज्वलनशील पदार्थों को ले जाते हैं। तो उनमें से हमने जो क्रैकर्स हैं उसके करीब कुल 10 मामले पकड़े और 1,65,690 जिनकी कॉस्ट थी, इसमें 11 लोगों को बुक किया गया, 11 लोगों को अरेस्ट किया गया, इनके ऊपर केस दर्ज किया गया। और कल इतवारी स्टेशन पर उसमें हमने 2 व्यक्तियों को पटाखे, जो दिवाली के बाद भी लोग यूज करते हैं और मैंने देखा है मार्केट में भी अभी मिल रहे हैं, तो लोगों को अज्ञानतावश ले जाते हैं। तो इसमें प्रेस और हम लोगों की सभी की भूमिका होती है, आम जनता की, कि जो अनभिज्ञ हैं कि रेलवे से ऐसा सामान ना ले जाया जाए, उनको बताया जाए कि यह हम लोगों, सभी के लोगों के लिए और देश की संपत्ति के लिए घातक है। रेल स्टेशनों पर पीए सिस्टम के माध्यम से उद्घोषणा कर गैस सिलेंडर, विस्फोटक पदार्थ, पटाखे, पेंट, पेट्रोलियम पदार्थ, दारू, गन पाउडर, ज्वलनशील सामग्री, रसायन आदि को यात्रा के दौरान न ले जाने हेतु यात्रियों को हिदायत दी जा रही है। यात्रियों ने भी अपने और अन्य प्रवासियों की सुरक्षा को ध्यान में लेकर ज्वलनशील पदार्थों को रेलवे से ले जाना टालना चाहिए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश रंगलवार, BCN न्यूज़, नागपुर।